और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का कोरोना महामारी कोविड 19 के चलते अब तक संचालित हुए चार विषयों की सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2019 का अंकन कार्य छात्र हित में दृष्टिगत स्थल मूल्यांकन के स्थान पर घर पर ही किया जाएगा। मार्किंग को लेकर के सोशल दूरी का ध्यान रखते हुए सब अध्यापकों पेपर बंडल शील्ड दिए गए हैं। कोरोना के चलते आज तक कभी इस तरह मार्किंग के लिए आंसर शीट नहीं दी गई। अब यह पहली बार कोरोना महामारी के चलते ये निर्णय लिया गया है। अंकन का कार्य हेतु नियुक्त प्रशिक्षक अपने अपने केंद्र में अंकन संबंधी सभी आवश्यक हिदायतें व मूल्यांकन निर्देशों की जानकारी एवं उत्तर पुस्तिकाओं का सील्ड बंडल व आवश्यक रसीद देते हुए प्राप्त कर रहे हैं। अंकन कार्य पूरा होने पर 22 अप्रैल तक अंक सूची सहित उत्तर पुस्तिका का बंडल संबंधित अंकन संग्रहण केंद्र पर जमा करवाएंगे। वहीं यहां पर पहुंचे अध्यापकों ने बताया कि कोरोना को हराने के लिए ये सही कदम है। हम अपनी ईमानदारी के साथ उत्तर पुस्तिका की जांच करने तथा सही नंबर देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार के साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का यह अपने आप पे एक बड़ा फैसला है। इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित नहीं होगी। पल पल भिवानी श्यामन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर आए हैं, यहाँ एग्जाम मार्किंग के लिए आए हैं। इनको जो एग्जाम हुए थे बच्चों के 10वीं कक्षा के, उनकी मार्किंग के लिए आए हुए हैं और अब की बार होम मार्किंग के लिए आदेश हुए हैं। यहाँ से कलेक्ट करके अपने बंडल और घर पर मार्किंग करेंगे हम। पहली बार सर ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। चलो अच्छी बात है, इसमें मार्किंग अच्छी होगी। घर पर आराम से करेंगे और इससे सोशल डिस्टेंस का भी दूरी बनी रहेगी। इससे मैं देवेंद्र महिंद्रा जी, कहाँ से आप? मैं हिस्ट्री लेक्चरर हूँ सुई गांव से। सुई गांव में मेरी पोस्टिंग है। सर लेक्चरर है आप, कंधे के ऊपर इतना बोझ लेकर के जा रहे हैं? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश में इस समय इतनी महामारी चल रही है। असली योद्धा सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, वो लोग है जो कोरोना के संकट के समय मरीजों के बीच खड़े हैं। असल में तो योद्धा तो वो है। सर बोर्ड ने इस पर जो है घर में ही मार्किंग करने की बात की। हाँ जी, इस बात से आप संतुष्ट? घर में आप क्या मानते हैं, मार्किंग हो पाएगी? सही नहीं, माहौल के अकॉर्डिंग देखे जाए तो ठीक डिसीजन है, क्योंकि जिस समय से सरकार पूरी तरह से सारा देश बंद है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये ठीक कदम है कि घर पे जाके आसानी से चेक हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वो भी मेंटेन होगी और बच्चों का रिजल्ट भी समय पर आ पाएगा। सर कब तक जो है ये पेपर चेक करके? हमें 22 तारीख तक का आदेश दिया गया है कि 22 तारीख तक ये पेपर वापस कर लें। धन्यवाद।